करौली जिले के मंडराल का गठली गांव। इस गांव की आबादी लगभग 1200 के करीब है। वन विभाग के जंगली जानवरों की वजह से यहां के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की खेती को व मवेशी को नुकसान हो रहा है। इससे गठली जैसे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। आपके लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं गांव में? गांव में समस्या क्या है, एक तो ये पानी की समस्या है गांव के अंदर, और जंगल में से लकड़ी नहीं कटनी चाहिए, और जानवर के खेती बाड़ी में उजाड़ करते हैं। वो कैसे करते हैं खेती बाड़ी में उजाड़? अब रात को पानी पीने तालाब में आते हैं, तो फिर पानी पी करके वो खेती है तालाब के अंदर, उसमें भी चढ़ते हैं, जंगल में से उतरते हैं, तो उसमें फिर चरेंगे, भूखे रहेंगे तो वो तो चरेंगे। कितना परसेंट नुकसान करते हैं आपकी खेती के लिए? 50%। उसके लिए आपने अब तक क्या किया? अब तक कुछ नहीं, भगा देते हैं बस, और क्या करेंगे। रेंज वाले शिकायत करते हैं? वो जानवर किसके हैं? रेंज वाले ने के, और किसके हैं? रेंज वालों ने, रेंज वालों से कहा आपने कभी? रेंज वाले से कहा तो वो कहते हैं भाई अब जंगल में से तो आएंगे ही, अब क्या उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने कोई कानून के बारे में नहीं बताया रेंज ने? नहीं, हमारे लिए तो कुछ नहीं बताया भाई। कभी आपने अपने सरपंच से कहा? सरपंच से भी कहा। तब सरपंच ने क्या जवाब दिया? नो भाई, वो रेंज वाले ने के जानवर है और रेंज भी कर सकती है, मेरे एंटर का कोई काम नहीं है, गांव की समस्या हुआ है तो उसको कर सकता हूँ। आपके जैसे कितने परिवार होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? 300-400 घर होंगे। मैं चाहती हूँ कि विभाग द्वारा सेंचुरी वाले एरिया के जानवरों को रोकना चाहिए और वहाँ पर बाउंड्री खिंचवानी चाहिए, जिससे आम जनता के लिए वह जानवर किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं, और नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।